लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर एकेडमी की ओर से फ्री ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के बच्चों को आर्मी, नेवी एवं डिफेंस में जॉब अपॉर्चुनिटी विषय पर मार्गदर्शन किया गया। साथ ही विदर्भ के बच्चों को आर्मी, नेवी एवं डिफेंस के प्रति जागरूक किया गया। विदर्भ के बच्चों को आर्मी, नेवी और डिफेंस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर एकेडमी की ओर से फ्री ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को कई सुविधाएं मिलती है, साथ ही जो बच्चे इसे अपने करियर के तौर पर चुनते हैं उनके करियर को भी एक नई दिशा प्राप्त होती है। वहीं कहीं ना कहीं इस दौरान बताया गया कि विदर्भ के विद्यार्थियों को इस संदर्भ में अधिक जानकारी नहीं है, जिसके चलते उन्हें इस विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस साल के नौकरी के बाद में मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूं। इन 36 सालों में मुझे जो भर्ती होती है वो इंस्टीट्यूट भी कमांड करने का मौका मिला, तो हमारे ध्यान में ये आया कि अपने विदर्भ के बच्चों को इन्फॉर्मेशन की थोड़ी कमी है। जब हम एनालिसिस के डाटा फर्दर हमने तो यहाँ हमने पाया कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इस बेल्ट के लड़के फौज में ज़्यादा है और उसी परसेंटेज में विदर्भ के लड़के नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने यहाँ के लड़के किसी चीज़ में कम है, एकेडमिक्स में कम नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कम नहीं है। हमें ये महसूस हुआ कि इन्फॉर्मेशन की कमी है और अपने रीजन में नागपुर और अमरावती और विदर्भ रीजन में इस तरीके के इंस्टीट्यूट भी नहीं है। रिटायर हुए कभी कहीं पे सेवा का भी भाव मन में था ही। प्राइमरी रीज़न इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने का ये था कि अपने एरिया के बच्चों को हमने मोटिवेट करना है फौज में जाने के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स 10वीं के से लेकर के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तक के किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो वो फौज में कहीं ना कहीं नौकरी कर सकता है। इसके मार्गदर्शन वास्ते हम इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए। लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर डिफेंस एकेडमी और CSR सेल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर, इन्होंने आज ये जॉइंटली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स। क्योंकि जब डिफेंस की बात आती है तो 10+2 की बात आती है, यानी 10वीं के बाद में 12वीं और 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन, यानी 19-24 एज लिमिट में वहाँ डिफेंस में जा सकते हैं। बट देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, डिफेंस में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसे कि वानखड़े साहब ने अभी बताया कि विदर्भ रीजन के लड़कों कम नज़र आते हैं कंपैरेटिवली पश्चिम महाराष्ट्र, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए इवन इफ वी आर हैविंग द प्लेसमेंट सेल एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर, और इस एकेडमी के माध्यम से बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी प्लेसमेंट देने के लिए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर डिफेंस एकेडमी का बहुत उपयोग हो सकता है। साथ ही इस दरमियान बताया गया कि इस एकेडमी में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।